हेलो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस बुलेट पर आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों अगेन पैरा जंबल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले जैसे आप बच्चे देख रहे होंगे पैरा जंबल की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको uh, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ लाइक सी जी एल सी पी यू सी एच एस एल एम टी एस के तो अभी हम इस सेशन के अंदर भी डेफिनेटली पैराजंबल के क्वेश्चन को ही करने वाले हैं वो भी प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा पैराजंबल के क्वेश्चन को बच्चे बहुत अलग अलग टाइप से करते हैं जैसे आपने देखा होगा मेरे जितने भी सेशन्स अगर आप बच्चों ने नहीं भी लिए हैं तो वो भी सीखेंगे और जो ले रहे होंगे रेगुलर डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा मैं हमेशा एलिमिनेशन

आप सीपीओ दें स्टेनो दें सीजीएल दें हर एग्जाम के अंदर पैरा जंबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है चलेगा स्टार्ट करते सेशन को चलेगा अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड को आप जब यूज करें तो एलिमिनेशन मेथड सीधा ऑप्शन पे लगता है एलिमिनेशन मेथड का जो यूज होता है वो डायरेक्ट आपका एलिमिनेशन मेथड लगता है ऑप्शन पे एंड ऑप्शन को हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन का कौन सा टाइप है सबसे पहले आपको टाइप ऑफ ऑप्शन देना देखना है कि कौन सा ऑप्शन का टाइप दे रखा है या तो टाइप वन होगा दो ऑप्शन सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे यानी कि ए ए से स्टार्ट है या बी बी से स्टार्ट है टाइप टू होगा कि तीन ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे टाइप थ्री होगा चारों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या फिर टाइप फोर होगा कि चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से ऑप्शन के अंदर मिलेंगे थोड़ा सा समझा देती हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट का ये फर्स्ट है वो समझ लेंगे अगर आपको दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलते हैं तो उसमें एक बेनिफिट ये होगा अगर ए से सपोज दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है तो अगर ए फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का तो भी आपके लिए ऑप्शन दो एलिमिनेट हो गए रिमेनिंग दो खत्म हो गए और अगर ए फर्स्ट नहीं है तो भी एलिमिनेट दो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जो ए से स्टार्ट है दोनों खत्म यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन में ये हो जाता है कि हमें दो में से ही आंसर को डिसाइड करना होता है तो ये कहीं कही ना कहीं हमारे टाइम को बचाता है हमें सेंटेंसेस को रीड करने की जरूरत नहीं होती है पारा जंबल के क्वेश्चन को करने के लिए सीधा ऑप्शन को देखो कनेक्टिविटी के बेसिस पे आप ऑप्शन में एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट कर दो जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ये सी एच एस एल का क्वेश्चन है जो 25 पांच 2022 में पूछा गया है ये सी का क्वेश्चन है जो 25 पांच 2022 में पूछा गया है देखो आ, यहां पर टाइप अगर मैं बात करूं तो टाइप फर्स्ट दे रखा दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है दो तो बी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है दो डी से और दो बी से यानी कि दो दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है दो डी से और दो आपके बी से आप सबसे पहले आप चेक करो कि डी फर्स्ट होगा सेंटेंस पैराग्राफ का या फिर आपका बी फर्स्ट होगा हम यहां पर बात कर रहे हैं देखो आप मैं यहां पे अगर मैं बात करूं डी की तो हम यहां पर 10 इयर्स ओल्ड एक बच्चे की बात कर रहे हैं एन आउटसाइडर इन द रीड फैमिली ठीक है अब उससे पहले अगर हम बी में देखें तो यहां पे दे रखा ऑर्फेंट एज एन इन्फेंट देन एयर लिव्स एट गेट शेड विद आंट एंड एज नॉबल ओपन हमें ये क्लियर हो गया कि हम पहले अपने आप के बारे में बताएंगे आफ्टर दैट हम अपनी एज को डिस्कस करेंगे कितने ईयर्स ओल्ड है हमें ये क्लियर हो गया डी तो फॉर सेंटेंस नहीं होगा पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम कौन है ठीक है तो हमें ये क्लियर है कि पहला सेंटेंस बी होगा पहला सेंटेंस डी नहीं होगा अब हमें देखना है कि बी के बाद डी तो वो वहीं से आंसर निकल गया कि जब हमने उसको बता दिया कि वो कौन है तो आफ्टर दैट डेफिनेटली हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कितने ईयर ओल्ड है तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा डी बी के बाद बच्चों क्या आएगा डी और अगर बी के बाद डी आएगा तो वो एक ही ऑप्शन में है वो है आपके थर्ड ऑप्शन में और उसी के बेसिस पे आप इजिली ऑप्शन टेक कर सकते हो दैट इज थर्ड थर्ड इज थर्ड नेक्स्ट आप एच एस एल का क्वेश्चन है छब्बीस पांच दो हजार बाईस सबसे पहले चेक करो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट क्या है दो सी से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है दो सी से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है सबसे पहले चेक करो कि बी फर्स्ट होगा या फिर सी फर्स्ट होगा बी फर्स्ट होगा या सी फर्स्ट होगा यहां पर बात करें देयर इज नो टेलिंग वैन अ बिटवीन कपल मेंग्रवेट एंड एस्केलेट इन टू सम अगली विच वैन विटनेस्ड बाय अ चाइल्ड माई डिस्टेट ग्रेवली और अगर मैं बात करूं सी की तो सी में दे रखे देयर इज नो रिलेशनशिप दैट डज नॉट फॉल्टर अब यहां पर पॉइंट क्या आता है हमें क्लियर हो गया कि किस चीज को बताना है तो पहले आपको उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा तो डिस्कस करना पड़ेगा तो हमें क्लियर है कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो उसके बेसिस पे आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो एक तो सेकेंड को और एक आपके थर्ड को एक तो सेकेंड को और एक आपके थर्ड को अब बस बचते दो ऑप्शन एक है आपका ऑप्शन फर्स्ट और एक है ऑप्शन फोर्थ ये दो ऑप्शंस आपके बचे हुए एक है फर्स्ट और एक है आपका फोर्थ अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हमें डिसाइड करना है कि क्या कि सी के बाद बी या फिर सी के बाद डी अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक कही कहीं ना कहीं कि चीज़ें बिगड़ रही हैं दो लोगों के बीच में तो दो लोगों के बीच में जब चीज़ें बिगड़ रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट भी होगा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे तभी तो वो एक कॉमन सा वो पॉइंट बन गया एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर ठीक है तो अब यहाँ पर हमने ये क्लियर हो गया कि सी के बाद बी नहीं सी के बाद क्या आएगा डी सी के बाद बी नहीं सी के बाद क्या आएगा डी अब उसी के बेसिस है ठीक केवल केवल है क्योंकि अगर कहीं पर भी दो लोगों के बीच में खटपट होती है कहीं भी दो लोगों के बीच में नहीं बनती है तो डेफिनेटली वो क्यों नहीं बन रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं चल रहा है यानी दो लोग एक दूसरे की बात से डिसएग्री कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर इसीलिए उसके बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन लगाएंगे फोर्थ बोलो इतना क्लियर हुआ आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो अब आफ्टर दैट आप देख सकते हो इन अ हेल्दी रिलेशनशिप बट वाइल इट मे सीम नॉर्मल टू यू योर चाइल्ड मे बी नेगेटिवली अफेक्टेड योर एंड योर एंड योर पार्टनर्स रियश अब क्या होगा उससे कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के रिएक्शन से कहीं ना कहीं वो प्रभावित तो हो गई क्योंकि जो पेरेंट्स करेंगे उसी का अफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा अफेक्ट तो होगा ही बच्चा इफेक्ट तो पड़ता ही है बच्चे पे यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा अफेक्ट तो होता उन सब चीज़ों से एंड आफ्टर दैट उसने बोला है कि यही वो रिलेशनशिप नहीं है जो ज़्यादा समय तक चले मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी करेगी तो आंसर ऑप्शन इसलिए हमारा हो जाएगा दैट इज फोर्थ चलेगा नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों अगेन सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो 26 पांच 2022 में सीएचएसएल में आजकल इस टाइप से क्वेश्चन आना था सेम चीज है बट यहाँ कॉमा लगा लगा के अलग अलग करके दे रखा है ए सी बी डी ए बी सी डी तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि इनमें से अगेन सेम चीज है दो अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं एक तो फर्स्ट है और एक आपका फोर्थ है दोनों ए से स्टार्ट है एक फर्स्ट और एक आपका फोर्थ दोनों ए से स्टार्ट है अब दोनों जब ए से स्टार्ट हैं तो अब आपको सिर्फ चेक करना है पहले तो ए फर्स्ट होगा भी या नहीं तो डेफिनेटली होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मींस हमें ये क्लियर है कि फर्स्ट तो ए ही होगा और अगर फर्स्ट ए ही होगा तो हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड को हम इजली एलिमिनेट कर सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड को अब देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि यहां पर ए के बाद सी होगा या फिर ए के बाद बी होगा ए के बाद सी होगा या फिर ए के बाद बी होगा अब आपको ये चेक करना है कि ए के बाद क्या आएगा अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीन्स की और बी में देखा दिस इज पॉसिबल यूजिंग और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी में बाय बायिच यू आर एबल टू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग हमें क्लियर हो गया कि दिस इज पॉसिबल क्या मीन्स की बात कर रहा है मीन्स के अंदर बताएंगे क्या होता है तो हमें क्लियर है कि ए के बाद हमारा सी आएगा बी का यूज नहीं होगा और बी का यूज नहीं होगा तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो दैट इज फर्स्ट ठीक है नॉन कम्युनिकेशन इज अ मीन्स क्या है बाय विच यू आर एबल टू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग जिसके अंदर आप इजली कम्युनिकेट कर सकते हो बिना बोले हुए ठीक है एंड दिस इज अ पॉसिबल बायिंग विजुअलूज विजुअल क्लूज चलते रहते हैं उसी के द्वारा ये पॉसिबल है contact, postures, gestures, होते, 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 इनसे आप वहां पर अपनी चीजों को मैसेज एक होता है कन्वे कर सकते हो ठीक है so, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर ऑप्शन नहीं होगा इज इट क्लियर इतना समझ आए किस तरह से एलिमिनेशन का यूज करना है चलेगा नेक्स्ट आते है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन का है बच्चों जो में. A, B, C, में दे चार आपको सबसे पहले चेक करना है कि सारे जम्बल वे में दे भी रखे या नहीं अच्छा हमें हाँ ये तो क्लियर होगी जम्बल वे में क्योंकि हावर तो सेंटेंस होगा नहीं हावर तो सेंटेंस होगा नहीं तो फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नहीं होगा तो हमें ये तो क्लियर है कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं ठीक है ना? होगा क्लियर है अटेंडिंग नहीं होगा, होगा? होगा।, अच्छा, होगा। खत्म अगेन हमें दो में से चूज करना ना। देखो चाहे डिफरेंट अल्फाबेट से आए या सेम अल्फाबेट से आए हमेशा दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको देखकर आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो

पॉज सेंटेंस क्या होगा सी तो आप इसको देख सकते हो वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम किस चीज़ से बचाया अटेंडिंग मेन स्ट्रीम मिडल स्कूल्स ये मैंने आपको एडवांस uh, वॉब uh, में आपने uh, कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो प्रिवेंटेड के साथ एक तो फ्रॉम आता है प्रिवेंट के साथ जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से रोकना बचाना ठीक है तो प्रिवेंट के साथ और उसके साथ हमेशा जरिन का यूज़ होता है आप इसे ग्रामर के बेसिस पे भी और uh, मतलब इजीली यूज कर सकते थे कि यहाँ प्रिवेंट फ्रॉम के साथ आईएनजी आएगा दैट इज अटेंडिंग और सी के बाद डी जो है वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ ठीक है तो यहाँ पर उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन को फोर्थ को टिक कर सकते हैं इज इट क्लियर इतना समझ आया चलिएगा नेक्स्ट आते हैं सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो 27 5 2022 में पूछा गया है अगेन चेक करो जरा सबसे पहले कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं सबसे पहले तो चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है दो ऑप्शन तो ए से स्टार्ट है और दो ऑप्शन बच्चों बी से स्टार्ट है सबसे पहले ये चेक करो कि ए फॉर सेंटेंस होगा या बी फॉर सेंटेंस होगा अच्छा ये तो क्लियर हो गया होगा कि दीज ग्रेट लीडर्स कौन से दीज हमें ये क्लियर है कि हम कभी भी दीज से दिस से चीजों को स्टार्ट नहीं करते दिस और दीज किसके लिए यूज हुआ है सबसे पहले हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हमें यहां पर उसके बेसिस पे दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एक तो फर्स्ट ऑप्शन को और एक आपके थर्ड ऑप्शन को क्योंकि ये दोनों ही आपके ए से स्टार्ट है फर्स्ट भी और आपका थर्ड भी ये दोनों ही आपके ए से स्टार्ट है तो आप इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो अब दो आपके बी से स्टार्ट है दो आपके बी से स्टार्ट है अगेन अब आपको आंसर ऑप्शन दो में से डिसाइड करना है अब यहां पर मैं बात करूं लीडरशिप इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ अ लीडर कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है वहां पर उसकी सक्सेस भी और उसकी फेलियर भी ठीक है अब यहां पर हमें क्लियर है यह फोर्ट सेंटेंस है अब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहे हैं उसके एक मैनेजमेंट के स्किल्स को लेकर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है उसके स्किल्स पे कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या फिर वो फेलियर को फेस करेगा अब यहाँ पर दोनों में बी के बाद सी है तो मैं क्लियर है कि बी के बाद सी आएगा हाँ ऐसा क्यों होता है कि देर आर मैनी लीडर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज अनलाइक एंशंट टाइम्स पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आजकल लोग बिल्कुल रेडी नहीं हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए ठीक है अब हमें बी के बाद दोनों में सी दे रखा है बी के बाद दोनों में सी दे रखा है बट आफ्टर दैट अब देखना है कि ए आएगा या फिर डी आएगा अब डीज लीडर्स आ रहा है तो डीज लीडर किसके लिए यूज हो रहा है डेफिनेटली ये लीडर्स जो दे रखे हैं लीडर्स इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य गांधी बुद्धा बोस एक्सेट्रा वो लीडर्स

बहुत रेयर केस में होता है कि हमें इस तरह से सेंटेंस को एंड तक पढ़ना पड़ जाता है वरना मैक्सिमम टाइम तो फर्स्ट सेंटेंस से ही आप चीजों को इजिली पहचान पाओगे इजिली आप कर सकते हो बहुत रेयर केस में आपको सेंटेंस को थोड़ा सा आगे तक पढ़ना पड़ता है ऐसा बहुत कम होता है चलेगा नेक्स्ट आते हैं अगेन सी का क्वेश्चन है जो 27 पांच 2022 में पूछा गया है सत्ताईस पांच दो हजार बाईस में पूछा गया है आपको देखना है अगेन दो सेम अल्फाबेट से कौन से स्टार्ट है ऑप्शन दो ए दोनों ही ए से स्टार्ट है दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट ऑप्शन ए और ए से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड सबसे पहले चेक करो कि सेकेंड या थर्ड जो दोनों ही ए से स्टार्ट है उनमें से कोई आंसर ऑप्शन बन सकता है या नहीं तो उसके लिए फर्स्ट सेंटेंस देखो फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर नहीं होगा वैन द फिश एट लास्ट हैड बीन सेफली लैंडेड आई आग्स डी ब्रदर्स इफ दे एट फिश बिल्कुल करेक्ट हमें क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ए ही होगा सो so, उसके बेसिस पे हम बी और डी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे अब बस कुछ नहीं करना ए के बाद बी या फिर ए के बाद सी यहाँ पर वो पूछने के लिए बोल रहा है ब्रदर से कि उन्होंने

तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि जब वो पूछने की बात कर रहा है तो पूछने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछने के बाद आप दूसरे का जवाब की बात करोगे आप अगर किसी से कुछ क्वेश्चन करते हो तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स कहाँ दे रखा है वो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है जिसको वो बहुत उत्सुकता से सुनने की बात कर रहा है कि उन्होंने क्या आंसर दिया और उसके बाद उसने ये भी बताया कि अभी अभी उसके पास एक और आई है फिश तो उसको भी वो दे सकता है तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि ए का रिलेशन डायरेक्ट डायरेक्ट सी से बन रहा है बी से नहीं बन रहा है और ए और सी का ऑप्शन है हमारा थर्ड तो उसके बेसिस पे आप सेकंड ऑप्शन को भी इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं अब आप चाहो तो बच्चों इसको कंप्लीट रीड कर लो कि आई वुड गिव दैम दि फिश वी हैड जस्ट लैंडेड आफ्टर दैट The condition that I put was that they had to help me lend another fish for my man. उसने बोला कि जो उसने अभी अभी लैंड करी है वो फिश उसको और दे देगी लेकिन उसके लिए उसने एक कंडीशन रखी है कि उसको दूसरी फिश लानी पड़ेगी ठीक है और मान के लिए भी दूसरे उसके लिए भी एंड आफ्टर दैट टू दिस दे रेडली एग्रीड एंड द वेट स्टार्टेड अगेन इस पे वो एग्री हो गए सहमत हो गए और वेट दोबारा से स्टार्ट हो गया अनदर फिश का ठीक है चले गए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगेन सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है बच्चों जो 30 पांच 2022 में पूछा गया है अगेन आपको चेक करना है कि दो अचारों या अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है एक ए से एक बी से एक सी से और एक आपका डी से चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है सबसे पहले तो आप बच्चे ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस इसमें से क्या होगा अच्छा ये क्लियर है ये क्लियर है आपको सेंटेंस इसमें से क्या होगा ए बी सी या फिर डी द डीपर यू इट द द द ग्रेटर विल बी डिफरेंस इन वाटर लेवल अब यहां पर सबसे पॉइंट पहला क्या आता है किस चीज को डीपर की बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर हम उसके बेसिस पे ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ए के बेसिस पे फोर्थ ऑप्शन को दिस डिफरेंस कौन सा डिफरेंस बी एलिमिनेट हो सकता है इफ यू नोज दूनल इन टू अकेट ऑफ वॉटर तो सी भी एलिमिनेट हो सकता है सी भी एलिमिनेट हो सकता है अब बस्ता कौन सा ऑप्शन है सी भी एलिमिनेट हो सकता है तो डी वैन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म विद योर पाम हथेली के साथ अगर उस पर वो करें यू विल फाइंड दैट अ डिफरेंस इन द वॉटर लेवल इज क्रिएटेड इन मैनोमीटर ठीक है अब डिफरेंस के बाद वो बताएगा कि दिस डिफरेंस ये डिफरेंस की बात बताया दिस डिफरेंस इन द लेवल्स इन द YouTube ठीक है YouTube इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम पहले आपने उस पे वो किया फिर उसके बाद वो बताएगा उसका रिजल्ट क्या होगा डिफरेंस किस चीज को लेकर है किस तरह से अप्लाई करना है तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन बचा है वो हमारा बिल्कुल सही है अब आप चाहो तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लो फिर वो जीरो लेवल का वो अगेन वो पॉइंट आ गया अगेन मैच हो रहा है एंड डिफरेंस इन वाटर लेवल जितना आप गहराई की बात करोगे उतना ही आप कैसा फील करोगे ग्रेटर ठीक है उसके डिफरेंस में जो वाटर का लेवल है उसके डिफरेंस के अंदर उसके अंदर में उतना ही ज्यादा आप देखोगे डिफरेंस ठीक है सो आंसर ऑप्शन विल बी थर्ड चलिए नेक्स्ट आते हैं अगेन सी एच एस एल का क्वेश्चन है तीस पांच दो हजार बाईस का तीस पांच दो हजार बाईस का सबसे पहले ये चेक करो कि दो सेम अल्फाबेट से कौन कौन से सेंटेंस स्टार्ट है दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है फर्स्ट एफ वन मॉर्निंग द जेंड वॉज लिंग लाइंग अवेक इन बेड वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक अब यहां पे हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस तो ए ही होगा तो बी वाले दोनों खत्म अब वो लेटा हुआ था है ना बेड पे उसने आवाज सुनी कुछ लवली म्यूजिक की आफ्टर दैट क्या होगा अब ए के बाद क्या आएगा तो दो एक में डी है और एक में सी है ए में एक में डी है और एक में सी है जब उसने सुनी आवाज तो सुनने के बाद उसको कैसा लगा

जो 31 पांच दो हजार बाईस में पूछा गया है दो तो स्टार्ट है आपके चारों ही अलग अलग अल्फा ए से बी से सी से डी से, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है सबसे पहले ये चेक करो कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा पीपल्स एड ही हैड तो यहां पर पीपल किसको लेकर बोल रहे हैं तो डी से स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा सून थाउजेंड्स बिगिन फॉलोविंग तो ये क्लियर है बी से फॉर सेंटेंस नहीं होगा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड किस चीज को लेकर सी से नहीं होगा तो बस्ता कौन सा है बच्चों बस्ता कौन सा है ए तो यानी कि आंसर ऑप्शन क्या होगा थर्ड अब आप चाहो तो इसको पढ़ लो पूरा ठीक है इन 1895 अ मैन नेम बॉज सीन रॉमिंग विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड उसको इधर उधर भटकते हुए देखा घूमते हुए देखा उसको ठीक है आफ्टर दैट पीपल एंड ही हैड मेरे पावर्स ही कुड क्योर ऑल डिसीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन ये कहीं ना कहीं सारी बीमारियों को क्या कर सकता है उसका इलाज कर सकता है उसकी ठीक है उसकी देखभाल कर सकता है एंड आफ्टर दैट आज आपका आएगा फिर उसने डिक्लेयर करा कि गॉड हैड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल्स फ्रॉम ट्रबल कि कहीं ना कहीं भगवान ने उसको इसीलिए चुना है यही डिक्लेयर करके भेजा है कि तुम एक, एक ऐसे प्राणी हो जो सबकी रक्षा करने वाले हो ठीक है लोगों को मुसीबत से बचाने का काम करोगे उनको फ्री में हर चीज यानी कि फ्री दाम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं, कहीं उनको फ्री करोगे स्लेवरी से एक दास प्रथा से एंड आफ्टर दैट थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिलीविंग दैट ही वॉज गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं, कहीं, कहीं उसके बाद बहुत सारे हजारों लोगों ने यह सोचा कि यही वो पर्सन है जो उनको हर मुसीबत से निकालेगा उनकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा तो मैं ये क्लियर हो गया जो बचा हुआ चेक करो, क्या है? अब देखो, यहां पे तीन ऑप्शन सी से स्टार्ट है तीन ऑप्शन सी से स्टार्ट है तो ये तो क्लियर है करंट कंसर्न इज दैट इट इज राइजिंग डे बाई डे ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पॉलिटेंट्स अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो सी फॉर सेंटेंस होगा या नहीं पॉल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन येट सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड हमें क्लियर है कि सी फॉर सेंटेंस होगा तो ए खत्म अब सी के बाद ए भी दे रखा है सी के बाद बी भी दे रखा है और सी के बाद डी भी दे रखा है अब उसने बोला कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है ठीक है येट वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है आज के वर्ल्ड के अंदर क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है प्रदूषण ठीक है अब पॉइंट आता है कि बी ए बी और डी में से क्या आएगा अब बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले देखो उसके बाद हम डी का यूज तो नहीं कर सकते अभी हम बता रहे हैं कि वो तेजी से बढ़ रहा है एंड वन ऑफ द मेन पॉलेंट आर ह्यूमन एंड मैनमेड तो नहीं हो सकता अब हमें बी या फिर ए में से डिसाइड करना है बी या फिर ए में से डिसाइड करना है बी में देख रखा इट हैज़ बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म्स सिंस अ लॉन्ग टाइम इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन और ए में दे रेखा दै करंट कंसर्न इज दैट इट इज राइजिंग डे बाई डे ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेस तो हमें ये क्लियर हो गया कि इट का यूज़ किसके लिए हो रहा है इट का यूज़ हो रहा है फॉर पॉल्यूशन तो यानी कि हमारे सी के बाद

हम लोग ही हैं और जो भी हम लोग मशीन्स हैं है तो है, है. हो आप रेगुलर क्लासेस लिया करो एस एस बुलेट पर आपको हर तरह की सीरीज मिल रही है आपके लिए प्रैक्टिस पार्ट भी है वो कैब सीरीज भी चल रही है वो कैब बुलेट की भी सीरीज चल रही है जिसके अंदर इडियम एंटोनियम अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं फॉर तो मैं पैसे के भी बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत स्पीड में आपको एंड फ्रेजल वर्ब हो सकता है इसी वीक में आपको मिलना शुरू हो जाए बाकी रेगुलर क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे फोर फिफ्टीन टू फाइव तो रेगुलर आप उसे भी अटेंड करो क्योंकि जितना आप अटेंड करोगे लाइव क्लासेस को उतना आपको बेनिफिट मिलेगा लाइफ में ठीक है सो सेलेक्शन लेना है बैक टू बैक एग्जाम है सी एच एस एल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सीजीएल आपका आ ही रहा है तो लक्की तैयारी करो सेलेक्शन लो ये मैं भी चाहती हूँ आपका ऐसे बुलेट भी चाहता है सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छा लगा तो उस वो वीडियो को लाइक भी कर लिया करो शेयर भी कर दिया करो ठीक है सो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख सके सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन